हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉपिंग क्लासेस की प्यारी से यूट्यूब फ्रेम पर स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की। प्यारे बच्चों, आज की भी क्लास में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ ही आए हैं। आज की टॉपिक हमारी रहने वाली प्यारे बच्चों गॉस के नियम की अनुप्रयोगिता, यानी गॉस के नियम का उपयोग हम लोग कहां पर करते हैं, उस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले प्यारे बच्चों। और ये टॉपिक काफी लेंथी रहने वाला, मतलब आज के ही क्लास में ये टॉपिक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होने वाला है। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ लोगों के सिलेबस में कुछ चीजें कैंसिल कर दिए गए हैं और कुछ चीजें हैं, तो हम लोग सारी चीजों को कवर करते चलेंगे। जो आपके सिलेबस में है वो आपको बता दिया जाएगा आपके सिलेबस में है और आपके सिलेबस में ये नहीं है, आपको इस बार ये पढ़ना है इस बार नहीं पढ़ना है, उन सबसे आप बेफिक्र रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, आप चैनल पे अगर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो अच्छी लगती तो दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग। गॉस का नियम हमने पिछले वाले क्लास में सीखा था, वहां बताया गया था कि जैसे अगर कोई आवेश है और वो किसी पृष्ठ के अंदर घिरा हुआ है तो उस पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो गॉस ने बताया कि उस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश होगा उसी का 1/ε गुना होता है। तो उसी नियम का अनुप्रयोग हम लोग देखेंगे। तो हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग का पहला आता है जिसे हम कहते हैं अनंत लंबाई का कोई एक सीधा तार हो जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली हेडिंग आती है यहां पर। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी सबसे पहला अनुप्रयोग आता है कि अगर कोई अनंत लंबाई का कोई एक सीधा तार हो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग के मुताबिक जो है इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। पहला है अनंत लंबाई का, तो पहले मानेंगे, माना कोई एक अनंत लंबाई का एक सीधा तार है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कोई अनंत लंबाई का एक कोई एक सीधा तार, ठीक चलेगा। ठीक, ये हो गया अनंत लंबाई का कोई एक सीधा तार, इसको हम लोग डॉट करके दिखा देते हैं, अनंत लंबाई का है। अब इस पे मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि इस पे आवेश फैला हुआ है, अनंत लंबाई का तार है जिस पे आवेश फैले, ठीक। अब इस तार के कारण विद्युत की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे पर माना जो चीज हमने समझा वो चीज लिख लेते। सबसे पहला पॉइंट है माना कोई अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है, माना अनंत लंबाई का कोई आवेशित तार है, क्या कोई आवेशित तार है, कोई अनंत लंबाई का आवेशित तार है, ठीक। इतनी बात आपको समझ आई, जिस पर फैले हुए आवेश की मात्रा, जिस पर आवेश की मात्रा, जिस पर आवेश की मात्रा Q है, आवेश की मात्रा Q है, तार का तथा तार का रैखिक आवेश घनत्व, तथा तार का रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, तार का रैखिक आवेश घनत्व। हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि तार की जो अल्पांश लंबाई में आवेश होता है उसे रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना ये जो तार की अल्पांश लंबाई है, ध्यान से देखिए बच्चों, हमने क्या कहा, मान लेते हैं जो तार की अल्पांश लंबाई है ये हो गए, इसमें जो आवेश फैला उसका नाम हम देंगे, क्यों नाम देंगे, रैखिक आवेश लैम्डा इक्वल टू क्या हो क्यू अपॉन एल। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्यू बराबर क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, लैम्डा इंटू एल,
यहां से आवेश की मात्रा या Q बराबर लैम्डा इंटू एल। इतनी बात आपको समझ में आई, जो तार आवेश की मात्रा थी वो Q बराबर लैम्डा इंटू एल के बराबर है। ठीक, अब हम बात करते हैं, गॉस ने बताया था कि अगर इससे निकट, इसके निकट अगर हमको विद्युत की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम मान लेते हैं कि इस तार से आर मीटर की दूरी पर, तार से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, इस पे हमको विद्युत क्षेत्र की ज्ञात करना, तीव्रता ज्ञात करना। एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बच्चों, जिस बिंदु पे विद्युत की तीव्रता ज्ञात करनी है उसी बिंदु को हम लोग कर लेंगे, उसी बिंदु को केंद्र मानते हुए हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, क्योंकि बिना गॉसियन पृष्ठ का कल्पना किए किसी भी तार की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसे ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस बिंदु P को केंद्र मानते हुए एक गॉस अब प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इस बिंदु P को केंद्र मानते हुए हमने क्या लिया, एक गॉसियन पृष्ठ की क्या कर लिया, कल्पना कर लिया, जो कि गॉसियन पृष्ठ क्या है, एक प्रकार का बेलन है, एक प्रकार का प्यारे बच्चों बेलन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ को अगर हम लोग आप लोग देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ये जो तार है, तार आवेश फैला है, आवेश फैले होने के जो तार से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी उनकी दिशा इस प्रकार होने वाली है। प्यारे बच्चों, तार से निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की दिशा है वो इस नुमा होने वाला है, वो इस नुमा, यानी जो बल रेखाएं हैं वो इसे इधर की तरफ, तार के लंबवत निकलने वाली है, जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो तार के क्या होने वाली है, लंबवत निकलने वाली है। विद्युत बल रेखाओं की दिशा तार क्या होने वाली है, लंबवत होने वाली है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, यानी तार से वाली विद्युत बल रेखाएं तार के क्या है, लंबवत निकल रही है। क्या यहां तक टॉपिक क्लियर हो रहा है? अब आप ध्यान यहां पर देखेंगे तो इस गॉसियन पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, और कुल वैद्युत फ्लक्स निकालकर गॉस के नियम से पेयर कर देना है। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहां पर दो गॉसियन के तीन पृष्ठ, एक पृष्ठ कौन रखता है, दूसरे पृष्ठ। प्यारे बच्चों, इस प्रकार देखिएगा, ये जो पूरा हम लोगों ने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया है, इसमें एक ये पृष्ठ गोली पृष्ठ S1 है, सेम उसी टाइप का दूसरा पृष्ठ S2 माना है, फिर ये तीसरा पृष्ठ S3 है। इस प्रकार आप समझ सकते हो कि ये आपका जो मार्कर है प्यारे बच्चों, ये एक बेलन नुमा है, सेम टू सेम ऐसे। अब देखिएगा, ये जो नीचे वाला पृष्ठ है ये S1, ऊपर वाला पृष्ठ S2, और ये वाला जो पोर्शन है, इस पृष्ठ का नाम हमने दे दिया S3। तो हमारे पास इस प्रकार ये तीन पृष्ठ हो जाते हैं। अब ध्यान से देखना कि इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, वो निकालकर गॉस के नियम से कंपैरिजन कर देना है। बहुत ही अच्छा सा मेथड है निकालने का। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गॉसियन गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, क्या कुल विद्युत फ्लक्स, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपने फार्मूला पढ़ा है, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डीएस इंटू कॉस थीटा। यही चीज आप पढ़ती थी,
सेम इसी फार्मूले का उपयोग हम लोग तीनों पृष्ठ के लिए लगाएंगे, S1, S2 और S3 तीनों के लिए लगाने वाले हैं। तो ध्यान से केवल आपको यह देखना है बस, प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर हम S1 पृष्ठ से लगाएं तो S1 पृष्ठ के लिए लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू क्या लगाने वाले हैं DS1। DS1 क्या है प्यारे बच्चों, DS1 होगा S1 का कटा हुआ छोटा सा भाग, कटे खंड की दिशा क्या ऊपर है प्यारे बच्चों, ये DS1 है। ध्यान से देखिएगा मैं बता रहा हूं, कटा हुआ खंड S1 का अल्पांश भाग, S1 का एक छोटा सा DS1 कहलाएगा जिसकी दिशा ऊपर होगी। जैसे हम लोग अगर इसको ऐसे ऐसे तो कटे हुए खंड प्यारे बच्चों ऊपर की ही होता है। तो अब आप देखिए DS1 हो गए, उसके बाद अगला होता है cos थीटा प्लस, हम S2 पृष्ठ की बात करेंगे तो S2 में भी एक छोटा सा खंड काटेंगे और कटे हुए खंड की दिशा किधर, नीचे की तरफ, तो इसका नाम DS2 लिखिएगा। तो अगला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DS2 cos थीटा, ये S1 पृष्ठ के लिए है, ये S2 पृष्ठ के लिए है। अगला हम करेंगे S3 पृष्ठ की बात करेंगे तो S3 पृष्ठ भी एक छोटा सा खंड काट लेते हैं। अब आप देखो S3 पृष्ठ मतलब ये वाला पृष्ठ, अगर हम ऐसे इसको एक खंड काटे तो ये जो भाग है उसका ऊपर होगा, तो प्यारे बच्चों ये छोटे खंड की भी दिशा बाहर की तरफ होगा DS3, समझे आप इतनी बात आप। तो यहां भी लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ EDS3 cos थीटा। अब आपको एक बात गौर से समझना है प्यारे बच्चों, तो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं वो तार के लंबवत हैं, तो विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं। E और ये DS2 के बीच जो एंगल बन रहा है प्यारे बच्चों, यहां एंगल थीटा जो है 90 डिग्री बन रहा है, यानी S2 पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही है वो S2 पृष्ठ के लंबवत है, इसलिए यहां पर थीटा जो वैल्यू है वो 90 हो जाने वाला है। आपको इतनी बातें समझ रहा है तेरे बच्चों। सेम यार ऐसे S1 पृष्ठ है, यार आप देखिए जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही है वो लंबवत है, तो यहां पर भी ई और DS1 बीच का जो एंगल है प्यारे बच्चों वो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज लिखेंगे S1 और S2 पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखा ये निकल रही है वो पृष्ठ के साथ 90 का कोण बना रही है, जिसके कारण विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों हमने पढ़ा है यदि थीटा 90 हो तो फाई ई 0 के बराबर होता है, यह हम पिछले वाली क्लास में भी पढ़ के देख बच्चों। पृष्ठ बचा है S3। अब आप देखिए जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो लंबवत बाहर की तरफ निकल रही हैं और हुए खंड की भी दिशा बाहर की तरफ है, यानी बच्चों यहां पर जो विद्युत बल रेखा E DS3 होगा, ये जो बीच का जो एंगल है प्यारे बच्चों तो E और ये DS3, देखिए ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए यहां पर ठीक 0 हो जाएगा, यहां पर कोई कोण ही बनेगा क्योंकि दो रेखाएं जो वो एक दूसरे के साथ कोई भी कोण नहीं बनाती हैं प्यारे बच्चों। ये इतनी बात आपको समझ आई है तो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, ये S1 व S2 पृष्ठ विद्युत बल रेखाएं क्या, विद्युत बल रेखाएं ई लंबवत बाहर की तरफ निकल रही हैं, ई लंबवत हैं जिसके कारण विद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। ठीक, अब क्या शून्य हो गया प्यारे बच्चों, थीटा 90 होता है, कॉस की मान 0। तो ये
और ये दोनों चीज जीरो हो जाए तो फाइव बराबर क्या मिलेगा, जीरो प्लस जीरो प्लस। अब आप ध्यान दीजिए, यहां से e इंटू डी एस थ्री कॉस थीटा बचा है, तो e को बाहर कर ले बच्चों, e का समाकलन नहीं होने वाला है। डी एस थ्री थीटा क्या है प्यारे बच्चों, जीरो, थीटा है और हम जानते हैं कॉस जीरो का मान कितना है, तो यहां से ही कॉस जीरो का मान एक लेंगे तो हमारे पास बचने वाला जीरो, जीरो का कोई मतलब नहीं होता प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा ds3, only ds3 बचेगा क्योंकि cos की मान एक हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ बच्चों, ये phi e का मान है और ds3 का आकलन करना है, तो d है कहां प्यारे बच्चों, सब देखिए ds3 s3 का एक छोटा सा भाग है, ds3 s3 का एक छोटा सा भाग, ऐसे ds3 मिलकर पूरा s3 कहने का मतलब है ds3 छोटा होता है वो छोटे छोटे भाग पूरे इस बेलन का ये दोनों गोली छोड़कर इतने भागों को करते हैं, और प्यारे ये पूरा भाग बेलन का वक्रपृष्ठ कहलाता है, ये पूरा भाग बेलन का क्या कहलाता है, वक्रपृष्ठ कहलाता है। तो मान लेते हैं बच्चों जो बेलन की ये ऊंचाई है यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई ये एल, यहां से लेके यहां की जो ऊंचाई बच्चों एल है, और बेलन के जो तार की लंबाई है वो भी प्यारे बच्चों यही है, क्योंकि भाई बेलन के बराबर ही तो बेलन की तार की लंबाई होगी, तो इसको ध्यान से समझना है। तो प्यारे बच्चों हाँ लिखेंगे जो ये ds3 है, ये d3, ये बेलन वक्र पृष्ठ है, क्या है प्यारे बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठ है, और वो ये वक्र पृष्ठ होने की वजह से मान 2 पाई r के इक्वल होगा, मतलब इसका समाकलन पाई r l हो जाएगा बच्चों। अब फाई e इक्वल टू आएगा e टू 2 पाई r l, समीकरण नंबर एक, ठीक। क्या इतनी बात आपको समझ में बच्चों, अब हमने क्या था, जब हम कुल विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे तो उसे हम गॉस के से कंपैरिजन करेंगे, तो अब गॉस के नियम से कंपैरिजन करने की आ गई है, तो यहां पर आप बच्चों गॉस के नियम से गॉस का नियम क्या कहता है, ध्यान देखिएगा प्यारे बच्चों, गॉस कहता है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर दो। अब आप देखिए समीकरण एक और दो को देखिए तो लग रहा होगा या दिख रहा होगा कि समीकरण एक का आपका एक पक्ष फाई ई है और समीकरण दो की एक पक्ष फाई ई है, इसलिए एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष आपस में बराबर ही होगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे, तो ई इंटू टू पाई आर एल इक्वल क्यू एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये काफी बच्चों को समझ में आता है मेरे प्यारे बच्चों कि कैसे ये दो बराबर होते हैं, अगर आपको ये चीज ना समझ में आए तो आप मान लो कि ये फाई ई का मान रख दिए उठा के, बस यही प्रोसेस। अब देख लो, आपको एक चीज जरूर पता होगी, जो ये क्यू का मान है वो लैम्डा इंटू एल है, तो यहां रख सकते हैं ई इंटू टू पाई एल, यहां q के स्थान पे रख के लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये l से l हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हमको क्षेत्र की तीव्रता e ज्ञात थी यहां रखेंगे बाकी सबको उधर रखेंगे, तो इक्वल क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये 2 चार इधर जाने वाला है तो ये इधर गुणा इधर जाएगा भाग में अपॉन ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लैम्डा बचा और ये क्या है आर है, ठीक। पर बच्चों ये फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए यूज नहीं किया जाता, हम लोग न्यूमेरिकल के लिए फार्मूले का उपयोग करते हैं वो आपका कुछ प्यार होता है, अगर हम यहाँ 2 का गुणा कर दे तो 2 दुनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, अब 2 का गुणा तो 2 का भाग भी करना पड़ेगा,
तो क्या लिखेंगे, ऐसे बन जाता इक्वल वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आप गुणा की हो तो यहाँ पे ऊपर भी गुणा करोगे तो टू लैम्डा अपान आ जाएगा। अब आपके ये क्वेश्चन उठ रहा होगा प्यारे बच्चों कि ये क्यों किया गया, इसलिए किया गया जिससे आपको आसान है, इसका मान आपको डायरेक्ट पता होता तो न्यूमेरिकल लगाना तो आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार कारण जो विद्युत तीव्रता निकालनी रहती है उस संयोजक हम लोग इस प्रकार निकालते हैं प्यारे बच्चों, जहां जो लैम्डा है रैखिक आवेश घनत्व का और आर है आर दूरी है तार के कारण इस बिंदु पी पे कर रहे थे विद्युत क्षेत्र वही दूरी है उसके बाद और जो पाई टू फोर पाई तो आप जान ही रहे हो प्यारे बच्चों तो एक प्रकार का नियतांक होता है। इस प्रकार हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले। अब आपको तीन चीजें नोट करना होगा, दो तीन चीजें ध्यान देना कि आप एक चीज ये पढ़ें, सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेगा तब हम उस बात पे चर्चा करते हैं। बात ये है कि हमने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला में E इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। अगर मैं इतने चीजों को भूलते हुए केवल बात करूं यहां से निष्कर्ष रहा था वन अपान आर, ये था आवेश के कारण विद्युत की तीव्रता। के बाद हमने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ये तार के कारण, तो दो आपको वहां मिली दिखेगा, एक वहां विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वन मिला होगा दिखेगा, आप लोग याद रखिएगा बताया गया था वन अपान फोर पाई नॉट टू पी अपन आर क्यू, वहां अगर निकला होगा तो वहां ई प्रोपोर्शनल वन अपान आर क्यू पाई और तार के कारण देख रहे हैं वो ई प्रोपोर्शनल वन अपान, ये तीन आप देख रहे हैं तीनों में काम चीजें आपको मिल रहा है, तीनों में ये है कि जो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब जितनी दूरी घटा बढ़ाओगे उतना वर्ग करके विद्युत क्षेत्र घट जाएगी। और यहां देखो भाई द्विध्रुव के कारण जो विद्युत की तीव्रता उत्पन्न हो रही थी वो आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब जितना दूरी बढ़ाओ उतना कम का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। आप अगला ई प्रोपोर्शनल मतलब तार के जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो रही है वो के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब दूरी के जितना घटाओगे उतना क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी और जितना दूरी होगी उतना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाती है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका ये गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग कंप्लीट होता है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे जो दूसरा प्रयोग है उसका। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले क्या बनाने वाले हैं, एक ऐसा आवेशी तार ले लेते हैं, तो आप ध्यान से देखना कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक समतल आवेशी चादर बना लेना, क्या लेना है एक समतल आवेशी चादर लेना है। उम्मीद है कि आपको ये चादर दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, ये समतल आवेशित चादर हो गया, ठीक ये हो गया। अब इस पर जो फैले आवेश है वो हम लोग दिखा देते हैं कि इस पे जो आवेश वो इस प्रकार फैला हुआ है, ध्यान से देखिएगा ये चीज। ठीक, तो मान लेते हैं कोई समतल आवेशित चादर है, माना कोई समतल आवेश चादर है, क्या है प्यारे, माना कोई समतल आवेशित चादर है जिस पर आवेश की मात्रा, क्या जिस पर आवेश की मात्रा, जिस पर आवेश की मात्रा क्या है क्यू, जिस पर आवेश की मात्रा क्यू पृष्ठ तथा चादर का क्षेत्रफल ए,
तथा ज्यादा क्षेत्रफल है। ये चीज आपने मान लिया मेरे बच्चों, चादर का क्षेत्र ए है और आवेश मात्रा क्या क्यू है। तब पृष्ठीय आवेश तो क्या होगा, तब पृष्ठीय आवेश घनत्व, ध्यान से देखिए, तब पृष्ठीय आवेश लोग सिग्मा से व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा व्यक्त करते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान ए। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई दें तो क्यू बराबर आ जाएगा सिग्मा ए, जो आवेश हुआ था उसकी मात्रा सिग्मा ए के बराबर आ गया। सबसे पहले आपने किया क्या कि एक आवेशी चादर ले लिया, भाई एक आवेश चादर हो गए, अब इस पे आवेश को फैला दिए, मान लिया आवेश फैले थे वो ठीक, भाई चादर है तो चादर फल होगा उसको मान लिए भाई, तब जो चादर का जो पृष्ठीय घनत्व होगा सिग्मा बराबर क्यू होगा, वहां से क्यू की वैल्यू सिग्मा ए मिल जाएगा। अब हमको करना क्या है, अब हम कहते हैं इस तार से, सही तार नहीं, इस चादर से 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। प्यारे बच्चों इस चादर से 8 मीटर की दूरी पर अगर ये बिंदु कोई इसी पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमको पता जैसे कि जिस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इससे एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करने वाले हैं, कल्पना करने वाले हैं। तो गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जिस पर हम लोग क्या करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, जिस पर हम लोग करते हैं विद्युत की तीव्रता ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों। तो इस बात को ध्यान देना होगा और ये मान लेते हैं कोई बिंदु पी ठीक चले इस पे, अब वो बिंदु पी आपका इस किनारे पर भी दिखता है इसलिए हम लोग इधर पे भी मान लेते हैं। चलो अब ये एक गॉसियन पृष्ठ है तो ये एक प्रकार का काल्पनिक होता है, तो काल्पनिक दिखाने के लिए हम लोग डॉट डॉट लाइन क्या करते हैं उपयोग करते हैं डायग्राम में, इसलिए प्यारे बच्चों डॉट डॉट लाइन का उपयोग कर लेते हैं। ये हो गए डॉट डॉट लाइन। अब गॉसियन पृष्ठ, अब इस पे आप देखिए प्यारे बच्चों इस तार से 8 मीटर की दूरी पर ये बिंदु P है, इस तार से 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है P है जिस पे हमको विद्युत क्षेत्र की ज्ञात करनी है। अब आप ध्यान से देखा तो यहां भी एक S1 पृष्ठ है, यहां पर भी ये थोड़ा सा अगर हम लोग इसकी ब्रेथ को बढ़ा दे तो अच्छे से हम समझ सकेंगे कि क्या मतलब S1 S2 पृष्ठ जो बनाने में आसान होगा प्यारे बच्चों, बस और कुछ नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं यहां पर एक पृष्ठ और बनाने वाले हैं, ये देखिएगा ये एक छोटा सा पृष्ठ हो गया, अब अगला एक पृष्ठ आपका यहां होगा। अब आप कहेंगे सर ये सब आप क्या बना रहे हैं, भाई जो बनाया जा रहा आप उसको देखिए मैं समझा रहा हूं ध्यान से देखिएगा, ये कोई S1 पृष्ठ था और ये कोई पृष्ठ था और ये S3 पृष्ठ था, सेम टू सेम इससे पहले वाले टॉपिक के जैसा ठीक। अब हमने क्या कहा S1 का एक छोटा सा पृष्ठ काट लिया, कटे हुए खंड की दिशा भाई दिखा दिए कि ये बाहर की तरफ है, कैसे है अब आप देख लो, ने कहा कि ये कोई बेलन है सेम टू सेम इस प्रकार, अगर मैं इधर से काटूंगा तो कटे हुए खंड की दिशा इधर होगी, इधर से काटूंगा तो कटे हुए खंड की दिशा इधर होगा, ये जो DS2 है S2 का भाग ये कटे हुए खंड इधर है ठीक, आपको इतनी बातें समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। अब जो S3 एक छोटा सा भाग है उसके कटे हुए खंड इधर हो जाएगी PS3, इतनी बात आप समझ भाई, S1 की जो कटा हुआ खंड था उसकी दिशा लंबवत बाहर इधर है, इस लंबवत बाहर इधर है, इसके लंबवत बाहर ये इधर ठीक। अब जो चादर है प्यारे बच्चों उनसे जो रेखाएं निकल रही हैं, चार से विद्युत बल रेखाएं सेम के प्रकार निकलने वाली प्यारे बच्चों, ये एक इधर निकलेगा एक निकलेगा, चादर से निकलने वाली जो विद्युत है आप ऐसे समझो बच्चों कि
अब आप ये समझ लो कि ये आपका एक समतल आवेशित चादर है जो कि कुछ इस प्रकार रखा हुआ है। अब इस पे क्या निकलने वाली, इस पे जो रेखाएं हैं वो जैसे ऐसे लंबवत की तरह प्रेस करेगा इधर निकल जाएगा, इधर से प्रेस करेगा इधर जाएगा, या तो इधर से प्रेस करेगा इधर निकलेगा। मतलब चादर के लंबवत विद्युत बल रेखाएं निकलनी, न कि ऐसे ऐसे निकलने वाली है, चादर के लंबवत विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, लंबाई के लंबवत निकलने वाली। इस बात को आपको ना होगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, तो इनसे जो निकलने वाली विद्युत बल रेखा की दिशा है ये चादर की लंबाई के क्या है, लंबवत। तो E यहां पर है, E यहां पर है, ये विद्युत बल रेखा दिशा को व्यक्त कर रही है, ये यहां पर विद्युत बल रेखा E हो गई। सेम यहां पर भी ऐसे ही विद्युत बल रेखा E निकलेगी, सेम यहां पर विद्युत बल रेखा E निकलेगी, सेम प्रोसेस होने वाला है। मतलब प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जो विद्युत बल रेखाएं चल रही हैं वो पृष्ठ के लंबवत ही है। पृष्ठ के क्या है प्यारे बच्चों, लंबवत है। अब हम क्या समझना है, अगर हम देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों कि इससे जो विद्युत रेखाएं ई निकल रही है, तो यहां पर भी अगर मान लेते हैं कि एक आवेश यहां पर रहा होगा, या ऐसे कर लीजिए आवेश के कारण, इस आवेश के कारण जो विद्युत रेखा निकल रही है वो ई यहां होगा। तो आप देखिए ई और डीएस टू है, ई और डीएस टू के बीच जो कोण बन रहा है जीरो हो चुका है, जो ई और डीएस टू के बीच का जो बल है प्यारे बच्चों हो चुका। क्यों? क्योंकि E और DS2 एक दूसरे के पैरेलल हो गए, दो पैरेलल लाइन एक दूसरे के बीच में कोण नहीं बनाती है। अब आप अगला समझो, अगर भाई इस प्लस से निकलने वाली जो विद्युत बल रेखा E है अगर वो इधर आ जाए ऐसे, तो अब आप देख लो यहां पर भी एंगल, यहां पर भी थीटा जीरो है। मतलब S1 और S2 पृष्ठ से जो कोण बन रहा है वो जीरो है E और DS के बीच। अगला अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसे से जो डीएस है और डीएस थ्री से चलने वाली विद्युत बल रेखा है वो इस प्रकार है, और यहां जो एंगल बन रहा है थीटा 90 है, यहां थीटा कितना है 90 है। अब आपको पता है जहां थीटा 90 होता है वहां वैद्युत शून्य हो जाता है। तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गौसियन पृष्ठ पृष्ठ होकर गुजरने वाला, क्या होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गौसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, फार्मूला भी हम लोगों ने देखा था, फाई होता है E into DS into cos थीटा इंटीग्रेशन, यही फार्मूला होता है गॉस। अब देखिएगा अब क्या हो रहा है, E के स्थान पे तो प्यारे सभी जगह पर हम बात किसके लिए कर रहे हैं, S1 पृष्ठ के लिए। E S1 पृष्ठ आपका यहां पर है, E छोटे से खंड DS1 है, क्या लगा देंगे E into DS1 into क्या cos हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आप अगला ध्यान दीजिएगा, S2 पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, S2 से कितना आ जाएगा E DS2 into cos थीटा, ये यहां लगा दिए। अब किसे निकालने वाले हैं प्यारे बच्चे, S3 पृष्ठ से, तो आ जाएगा E into DS3 into cos थीटा, यहां लगा दिए S3। इतनी बात आपको समझ। अब देख रहे हैं जो S3 है वो S3 पृष्ठ से जो विद्युत बल है वो 90 का कोण बना रही है, इसलिए S3 पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। ये चीज लिखते हैं कि S3 पृष्ठ के साथ E 90 का, E मतलब विद्युत बल रेखा है प्यारे बच्चों, 90 का कोण बना रही है, बना रही है, अतः इससे विद्युत से गुजरने वाला, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, शून्य होगा।
इतनी बात आपकी कंप्लीट हो गई प्यारे बच्चों। अब ये चीज फुल फुल टू फुल जीरो हो चुकी, आपके सामने दो ही चीज बताइए। अब इनका हम डेरिवेशन करते हैं, e बराबर प्यारे बच्चों यहां से e का समाकलन नहीं होगा तो बाहर करेंगे। अब आप देखिए s1, फिर क्या बचा डी एस वन। अब देखिए यहाँ cos थीटा है, यहाँ थीटा जीरो था मैंने बताया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। जब थीटा जीरो है तो cos जीरो अंश का मान हो जाता है, इसलिए हमारे पास यहाँ एक यहाँ कर देंगे और कौन बचेगा। अगला अगर ध्यान से देखिए टू पृष्ठ है, यहाँ पर भी बाहर हो जाएगा और थीटा यहाँ पर भी जीरो, तो ओनली डी एस टू बचेगा। ध्यान से देखिए जो डीएस वन है जो डीएस टू है, आपने डीएस वन को पहले ही मान लिया पूरे क्षेत्रफल ए है, तो डीएस वन का क्षेत्रफल ए हो जाएगा, डीएस टू का भी क्षेत्रफल ए हो जाएगा, तो ई इंटू ए आ जाएगा यहाँ पर, वहां भी ई इंटू ए। आपने पहले मान लिया कि क्षेत्रफल ए है, इसका भी क्षेत्रफल ए है, तो जो दोनों को एड कर दोगे तो फाइव ई बराबर ई ए और ई ए जुड़ के क्या टू ई ए नंबर क्या आ गया, एक आ गया। क्या यहां किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब हम गॉस के नियम का क्या उपयोग करेंगे भाई, गॉस के नियम से तुलना करेंगे। चलिए कुल फ्लक्स हम लोगों ने निकाल लिया है, अब हम गॉस के नियम से करना है, तो क्या लिखने वाले हैं गॉस के नियम से। गॉस का नियम होता है फाई बराबर अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर दो। अब समीकरण दो और समीकरण एक का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। समीकरण एक व उसे देखेंगे क्या मिलेगा, ये पक्ष इसके बराबर होगा टू ई ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब जो क्यू की वो सिग्मा इंटू ए के बराबर है, तो क्यू का मान लेंगे यहां पर क्या आएगा, सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ए से ए क्या होगा, मुझे बात करना तो दो गुना में है तो उधर जाएगा हो जाएगा ए बराबर सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट। ये आया समतल आवर्ती चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की, जहां सिग्मा आवेश घनत्व और एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों के नियम का जो दूसरा अनुप्रयोग था वहां पर कंप्लीट होता है। आपको एक बार मैं फिर से समझाता हूं क्या करना था, कुछ नहीं केवल एक चादर लेना था, चादर के बाद एक चादर से आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी माना जिस पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, उसमें हम लोगों ने गॉसियन बेलन का कल्पना, उस पे तीन पृष्ठ थे S1, S2 और S3, तीनों से कुल फ्लक्स निकालकर गॉस के नियम से कंपैरिजन करोगे तो आपका डेरिवेशन बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। प्यारे बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आई होप कि आज की क्लास में मैंने गॉस के नियम का दो अनुप्रयोग पढ़ाया हूं। प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक में, आज की लेक्चर में कहीं भी किसी भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कहीं डाउट रह भी गया होगा प्यारे बच्चों तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नए लेक्चर और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए प्यारे बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद।